नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गुर्जरों ने किया आंदोलन को और तेज। 5% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर आंदोलनकारियों ने रविवार को चौथे दिन भी आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य सड़क मार्ग भी जाम कर दिए। आज पांचवें दिन भी उनका आंदोलन जारी रहा। गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच की दूसरे दौर की संभावित बातचीत पर असमंजस बना हुआ है। वहीं आंदोलनकारियों ने चौथे दिन दौसा के राष्ट्रीय राजमार्ग 11 और सवाई माधेपुर जिले के राजमार्गों पर जाम लगाया। गुर्जर गत गुरुवार से भरतपुर जिले के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर पीलूकापुरा में पटरियों पर बैठे हुए हैं, जिससे रेल यातायात और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ सवारी गाड़ियों को आंशिक रूप से परिवर्तित किया गया है, जिससे यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण लू से अब तक 432 की मौत, नौतपा शुरू। देश के अनेक हिस्से गर्मी और लू की चपेट में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू के प्रकोप ने अब तक 432 लोगों की जान ले ली है। भारतीय मौसम विभाग ने दोनों दक्षिण राज्यों में काफी गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। दूसरी ओर आज से नौतपा भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी गर्मी के प्रकोप से कोई राहत नहीं मिल रही। देश के कई इलाकों में मैक्सिमम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस है। ज्योतिषों के अनुसार 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो गई है, जो 3 जून तक चलेगा। चेन्नई को 41 रन से हराकर मुंबई बना आईपीएल चैंपियन। सलामी बल्लेबाज सिमंस और कप्तान रोहित शर्मा के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद मुंबई इंडियंस ने गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से आईपीएल फाइनल में चेन्नई सुपर किंग को 41 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। मुंबई की टीम ने तीसरी बार आईपीएल फाइनल खेलते हुए दूसरा खिताब जीता, जबकि छठी बार फाइनल खेल रही सुपर किंग्स की टीम को चौथी बार खिताबी मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। मुंबई फाइनल में तीनों बार सुपर किंग्स से ही भिड़ी है। मुंबई इंडियंस ने सिमंस और रोहित के बीच दूसरे विकेट की 119 रन की साझेदारी से 5 विकेट पर 202 रन बनाए। इसके जवाब में सुपर किंग की टीम ने स्मिथ के अर्धशतक के बावजूद 8 विकेट पर 161 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस की ओर से मिशेल ने 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि मलिंगा और हरभजन सिंह ने क्रमशः 25 और 34 रन देकर 2-2 विकेट हासिल किए।